कांगड़ा जिला अस्पताल हमेशा से ही विवादों में रहा है, कभी मरीज के तीमारदारों की डॉक्टरों से बदसलूकी व कभी आपसी मारपीट को लेकर, जिसको गंभीरता से लेते हुए बांदा एसपी ने कुछ समय पहले अस्पताल कैंपस में ही चौकी खुलवा दी थी व चौकी प्रभारी और कांस्टेबल भी तैनात कर दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी आज अस्पताल में किसी बात को लेकर लगभग दर्जन भर लोगों ने एक दूसरों की लात जूते करना शुरू कर दिया, पर चौकी में सन्नाटा होने से ये मारपीट लगभग 20 मिनट तक चलता रहा। मामला कुछ यूं हुआ कि बांदा जनपद के बबेरू कस्बे की रहने वाली 65 वर्षीय महिला चंद्रकली के सर में चोट लग गई थी व उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जिस पर उसके परिजन अस्पताल आए हुए थे। तभी अस्पताल में किसी बात को लेकर एक दूसरे को मरने पीटने लगे। मरीज व तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। तभी डॉक्टर व अस्पताल कर्मचारी अस्पताल से जुड़ी चौकी पहुंचे तो वहां सभी नदारद मिले, जिसे लगभग 20 मिनट तक दोनों पक्षों में मारपीट चलती रही। अस्पताल के डॉक्टर के फोन करने पर पुलिस पहुंची व कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया व बाकी की तलाश में जुट गए। बता दें कि अस्पताल गेट के सामने एसपी और डीआईजी का आवास है। अस्पताल के अंदर चौकी भी खुली हुई है, पर इसके बावजूद भी अस्पताल के अंदर काफी देर तक दोनों पक्ष एक दूसरे की लात जूते करते रहे। अस्पताल में चौकी होने के बावजूद भी इस घटना का घटित होना कहीं ना कहीं चौकी पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अगर माना जाए तो शायद ये घटना एक बड़ा रूप भी ले सकती थी। पैसा पावा का रहा है नीचे वो लड़का का, तो वो लड़का मांगत रहा है पैसा, तो पैसा न देके उनके ऊपर लपट पड़े ये भाई लपट पड़े मार लाए। अस्पताल में तो मारपीट हुई, अस्पताल में मारे इको हाँ लड़का बेचारे बेचारे लड़का हुई तिवारी के लड़का के कहा लेन देने हमारा नानी गली मरीज बुलाया गया था जो की घायल अवस्था में थी। बताते हैं कि जो है दूसरे व्यक्ति ने जो है टक्कर मार दी थी जिसकी वजह से घायल हो गई थी। दोनों पक्ष में आपस में जो है कासुनी हो गई और मारपीट हो गई और कारण का जो है अभी कायदे से मालूम नहीं हुआ है किस वजह से मारपीट हुई है। यहाँ काफी देर मारपीट हुई है, क्या पुलिस यहाँ चौकी है, इसके बाद भी यहाँ इस तरह की घटना है, क्या पुलिस चौकी है और इसके बावजूद जो है इस समय वहाँ कोई था नहीं, जिस समय मारपीट की घटना हुई थी उस समय कोई उपलब्ध नहीं था, जबकि हमने वार्ड बाग भेजा तो देखा वहाँ कोई उपलब्ध नहीं है। इस तरह तो यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ के साथ भी मारपीट हो सकती है, कोई संभावनाएं प्रबल रहती है, कभी भी मारपीट हो सकती है, कभी भी जो है ऐसी घटनाएं घट सकती है, घटती भी रही है, तो ऐसे में जो है जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए।